भागलपुर में आम निर्वाचन 2024 की मतगणना समाप्त हो गई। भागलपुर में मुख्य रूप से एनडीए के प्रत्याशी अजय मंडल और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजीत शर्मा के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी। उतार चढ़ाव होते रहे, लेकिन अंत में एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल ने तकरीबन 1,00,000 वोट से जीत हासिल कर ली। यह उनकी दूसरी जीत है। वहीं अजय मंडल के समर्थकों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मिठाई बांटकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अजय मंडल ने कहा कि मेरे बीच हुए सभी कार्य इस बार पूर्ण होंगे। साथ ही भागलपुर से हवाई जहाज उड़ने से लेकर कई बड़े मुद्दे भी जमीनी स्तर पर उतारे जाएंगे। जनता को हम अपने तरफ से उनको प्रणाम करते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके, और धन्यवाद देते हैं कि भागलपुर की लोकसभा की जनता ने फिर मुझे अपना सेवा करने का मौका दिया। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? जनता का हर आदेश मेरा मुद्दा है, मेरा कोई मुद्दा नहीं। जनता जो आदेश करेगा उसी को हम मुद्दा मानते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा भागलपुर का ये वो तो 2 साल में आप जान रहे हैं, आप लोग तो सब कुछ जान ही रहे हैं कि सब कुछ हो गया बिहार सरकार और भारत सरकार के तरफ से। अब जमीन खोज करके उनको पेमेंट करके जिस भी अवस्था में 2 साल के अंदर हम जहाज उड़ाएंगे, ये हम वादा करते हैं। नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत किया है आपने? नरेंद्र मोदी के हाथों को हम मजबूत कहाँ किए हैं, जनता ने मजबूत किया है, देश की जनता ने मिल करके उनको मजबूत किया है। अरे हम तो उनके एक सेवक हैं, इसलिए हम उनकी सेवा करते हैं, हम सेवा करेंगे। और उधर जो मेरा कहिए कि एकदम स्तंभ हमारे माननीय मोदी जी नीतीश जी हैं, उनमें एकदम लगे रहेंगे सट करके, उनके आदेश का फिर मेरे आला कमान आदेश का पालन करेंगे। इंडिया का कुछ इस बार रिजल्ट बहुत खराब रहा? रिजल्ट खराब नहीं रहा, विपक्षी ने जनता को जरा दिग्भ्रमित कर दिए थे। और नहीं होता है कि झूठ का सियार के तरह कौं 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 करके कुछ लोगों को, और विपक्षी ने काफ़ी गलत अफवाह फैला करके दिग्भ्रमित कर दिया। 400 पार का नारा आप ही लोग का था, आज भी है। अच्छा एक बात बताइए, आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चा को कभी कहता है कि चपरासी बन जाओगे? लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर भागलपुर के बरारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना कार्य चल रहा था, जिसमें अजीत शर्मा और अजय मंडल के बीच खासा टक्कर देखने को मिला। वहीं पूरे दिन चले मतगणना के बाद अजय मंडल ने बाजी मार ली और अजीत शर्मा को हार का सामना करना पड़ा। वहीं अजीत शर्मा ने पहले सुबह बूढ़ानाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की थी, उसके बाद मतगणना केंद्र पहुँचे थे। वहीं मतगणना केंद्र में मतगणना समाप्त होने के बाद जब वह बाहर निकले तो वह भड़क पड़े और उन्होंने कहा कि यूपी में लोग शिक्षित हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने लोगों को अशिक्षित कर दिया है। क्यों जीत रही है? वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पर शिक्षा के मामले में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल शिक्षा किसी को नहीं दिया, जिसके चलते लोग शिक्षित नहीं है। वो 5 किलो अनाज के चक्कर में हमको लगता है कि मोदी जो दिए हैं उसमें लोगों को वोट दे दिए हैं, जो कि जनता बोली नहीं। लेकिन मुझे माहौल तो मेरे पक्ष में था, ऐसे निर्णय जनता का है उसको मैं सलाम करता हूँ। क्या लग रहा है कारण? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये कारण तो भाई मैं तो चुनाव लड़ा, जनता ये कह रही थी कि हम, मुझे दबाव था चुनाव लड़ने का, इसलिए कि विकास 5 वर्षों में नहीं हुआ। बोला कि विकास छोड़िए, कोई मिलने तक नहीं आए सांसद महोदय, उसके बाद भी उसकी जीत होती है, जो अभी गिनती में, अभी तो फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल होगा तो पता चले, लेकिन हमको लगता है कि वो जीतेंगे। जनता इसको स्वीकार करे भाई, विकास अगर बोल रहे थे कि नहीं हुआ, फिर वोट दिए हैं तो वो सर्वोपरि है, मैं इनको सलाम करता हूँ। इंडिया का दावा था 400 पार, अब 300 भी नहीं पहुंचे। सर इंडिया गठबंधन की बात, वो क्या करेंगे इंडिया वाले लोग? अब तो सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, अब तो आखिरी दौर चल रहा है, आप देख रहे हैं बराबर का टक्कर है। इसलिए मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन बनेगा, और इंडिया गठबंधन अगर बन गई तो युवकों को रोजगार मिलेगा, किसानों के लिए काम होगा, गरीबों महिलाओं के लिए दिए जाएंगे, सब राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो में दिया है इंडिया गठबंधन। मोदी जी का जादू तिलस्मी इस बार कम हो गया? नहीं, जादू तो कुछ भी नहीं है, वो 5 किलो अनाज में लगता है
तो शिक्षित लोगों ने वोट दे दिए, उन्होंने विकास की चिंता नहीं की, 5 किलो अनाज की ज्यादा चिंता की। लेकिन जनता को आगे के लिए सोचना होगा कि विकास कैसे होगा, किसानों की भलाई कैसे होगी, इंडस्ट्री कैसे लगेगी, एयरपोर्ट कैसे चालू होगा। भागलपुर में एयरपोर्ट चालू होने से, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगने से किसानों की तरक्की होगी, युवकों को रोजगार मिलेगा और बुनकर जो सिल्क उद्योग पूरे विश्व में जाना जाता था वो आगे बढ़ेगा। अब जनता ने निर्णय लिया है तो हम तो उसको सवाल ही करेंगे। देश की जनता ने एक बार फिर से भाजपा पर भरोसा जताया, साथ ही भागलपुर में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जीत के जश्न में डूब गए हैं। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को मिठाई खिलाकर जीत की शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष संतोष शाह ने कहा कि देश की जनता ने भरोसा जताया है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य 400 पार से काफी पीछे होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, सबसे पहले मैं भारत की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिस प्रकार उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करके पुनः एक बार विश्वास जताया है, निश्चित तौर पे जनता का शुक्रगुजार है भारतीय जनता पार्टी। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आज हम लोग, स्वाभाविक सी बात है, जब जीत होती है तो जश्न का माहौल होता है और वही माहौल में हम लोग आज खलीफा बाग चौक पर इकट्ठे हैं और सारे कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर अपना विश्वास जताया है और देश के इतिहास में पहली बार और नेहरू जी के बाद तीसरी बार जो है पूर्ण सरकार बनाने का जो काम यहाँ के देश की जनता ने किया है उसको हृदय से आभार प्रकट करने के लिए, उनको बधाई देने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भाजपा परिवार के लोग विजय उत्सव मना रहे हैं, साथ ही भागलपुर में अजय मंडल जी को अजय बनाने के लिए यहाँ के लोगों ने जो अपना आशीर्वाद दिया है उनको भी हम लोग आभार प्रकट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। 400 पार का नारा था, 400 पार हमारा लक्ष्य था और लक्ष्य के अनुरूप जो विषय है वो उसके नज़दीक हम लोग पहुँचे हैं और जो कमी रह गई होगी उस पर भी हम लोग विचार करेंगे, क्योंकि जनता कहीं गुमराह हो पाई, क्या कमी रह पाई कि वह हम लोगों के इस विकास के नाम पर और जिस प्रकार सांस्कृतिक विरासत बनी है अपनी, जनता हमारे साथ क्यों और कमी रह गई, उस कमी को भी ढूंढेंगे, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। भागलपुर सबौर प्रखंड के पीछे स्थित बजरंग बली मंदिर को तोड़ने का आदेश सबौर के अंचलाधिकारी के द्वारा दिया गया, साथ ही अतिक्रमण नोटिस भी दिया गया है। नोटिस 4 व्यक्ति को मिला है। बताया गया कि अतिक्रमण पूरे अंचल में है लेकिन केवल 4 व्यक्ति को नोटिस दिया गया है। उन लोगों ने बताया कि इसको लेकर सबौर के अंचलाधिकारी को आवेदन दिया गया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर सभी ग्रामीण DM ऑफिस आवेदन लेकर गए लेकिन आवेदन वहाँ भी नहीं लिया गया। उसके बाद सभी ग्रामीण वापस लौट गए। ग्रामीणों का कहना है कि यह मंदिर बहुत पुराना है और अंचल परिसर में यही एकमात्र मंदिर है। बजरंगबली के मतलब आए थे, बजरंगबली मंदिर के। क्या मंदिर नहीं समझे? मतलब मंदिर मतलब तोड़ने के लिए नोटिस 2 बार आ चुका है घर पे, मतलब आधा जमीन मेरा है आधा सरकारी का है, उसी में नोटिस बार बार आ रहा है कि बजरंगबली तोड़ देंगे। मंदिर तोड़ने के लिए कौन बोले हैं? CEO सर बोले हैं। 2 बार नोटिस पहुंच चुका है? हाँ, 2 बार पहुंच चुका है। तो पूछी नहीं कि सर ये मंदिर तोड़ने का आदेश है क्या? पूछे तो पर सर उतना जवाब कुछ दिए नहीं कि बजरंग बली को स्थान है, ये CEO यहाँ से नोटिस दे रहा है, 2 नोटिस चल गया, तो बजरंग बली कहाँ बैठता है? सरकारी में बैठता है कि कॉर्पोरेट में बैठाता है? किस लिए नोटिस गया है? ये नोटिस दे रहा है संतोष कुमार सिंह को, तो बजरंग बली को देना चाहिए नोटिस। ये किस सरकारी जमीन है? सरकारी जमीन थोड़ा सा है और निजी अपना जमीन है, निजी अपना जमीन है, वहाँ पे बजरंग बली बैठा है। कौन आदेश दिया है तोड़ने का? CEO यहाँ से नोटिस दे रहा है। अभी आप लोग कहाँ आए थे? हम ब्लॉक आए थे, अंचल। कौन अंचल है? सबौर अंचल। मिले CEO साहब से?